कबड्डी कबड्डी कबड्डी। प्रवेश किए यहाँ पे खगड़ीपाली और गौरवपुर की टीम और टास्क की प्रक्रिया करते हुए हमारे अधिनियक और टास्क पर संभवतः खगड़ीपाली। ये फाइनल का महामुकाबला जारी है, सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे जहां भी हो तुरंत अपना काम छोड़ के फाइनल का आनंद लेने के मैदान पे पहुंचे। ठाकुर जी क्या कहेंगे? दमदार प्लेयर, जानदार प्लेयर, शानदार प्लेयर ठाकुरीपाली के मैदान में कबड्ड कबड्ड का आज के साथ पॉइंट को सुरक्षित अंदाज में रेट डालते हुए ज्यादा जोखिम लेना नहीं चाहते दीवाल जी। जी और ये शानदार टो टच, टो टच में तो माहिर है और एक और देखा हूँ बोनस के भी माहिर है। कूड़ा ये जो अभी गए थे प्लेयर राजस्थान में खेल चुके हैं दीवान जी, आप ही के मुखार जी, 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 मैं पिछले साल MKPL हुआ था वहाँ मौजों में सब जानकारी मिला था। ये टीम जो खिलाड़ी हैं राज्य के लिए खेल चुके हैं, काफी गर्व की बात है हमारे जिले के लिए, बहुत ही जिले के लिए। और वो आज सुहागपुर के मैदान में है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठाकुर जी बहुत ही सुंदर राज्य स्तर से प्रतिनिधित्व के किए हैं, ऐसे व्यक्ति जो है इसे ग्राउंड पर उपस्थिति दिए हैं और खेल का जौहर दिखाए हैं, ये काबिले तारीफ जो है। नए युवा कबड्डी दल सुहागपुर जाता है, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा आज इतना बड़ा आयोजन हुआ है। जी जी काबिले तारीफ सुहागपुर के जितने भी नए साथी हैं, ग्राम के जितने साथी, और ये एंटी रेट करने का प्रयास था लेकिन सफल नहीं, और एंटी रेट करके वापस कोहरापुरा भी एक पॉइंट है और जो है ठाकुरी पाली जीरो है, तो खाता खोलना भी शेष है। ठाकुरी पाली की टीम भी मजबूत और कोहरापुरा की भी टीम मजबूत नजर आ रही है। फाइनल का मुकाबला है, मजबूत रहेगी क्योंकि सभी टीम को परास्त करते हुए लास्ट महामुकाबला में पहुंच चुकी है टीम। दीवाली ये शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर पर जिस प्रकार से खेल चलता है उसी अंदाज में चलता हुआ, क्योंकि जब जब मैच हुआ है शुरुआती में धीरे धीरे ही चला हुआ है और उसी अंदाज में चलता हुआ, और फाइनल का भी मुकाबला है क्योंकि एक गलती देखिए आपने पिछले मैच में सेमीफाइनल में, वो उन चीजों को भुला कर वापस फाइनल में अपना पकड़ बनाना चाहेंगी दौड़ाती हुई। थर्ड रेड और दो अढ़ाई रेड चालू हो गया मुकाबला। ठाकुर जी क्या कहेंगे? करो या मरो, आगे कुआ तो पीछे खाई है, क्योंकि रेड में आपको पॉइंट लेना ही पड़ेगा। आप देखिए मल्टी पॉइंट रेड देखते हैं, 3 पॉइंट का रेड यहाँ पे सुपर रेड और शुरुआत में ही सुपर रेड यहाँ पे खबरी पाली। शांति से दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से अनुरोध है जो भी फैसला होगा वो एम्पायर ही डिसीजन देंगे, बहसबाजी ना करें तो ज्यादा अच्छा। फाइनल मुकाबला है, शांति के साथ चलने दीजिए, और आप भी खुश हम भी खुश। निर्णय का जो अंतिम निर्णय होगा वही होगा, वो नहीं बदलेगा जी। वहाँ पे खेल देखने को बोला धीमन के द्वारा, धरू जो थे कॉर्नर में उसको ले गए, और जो और एक बार फिर से ठाकुरी पाली की तरफ से एक नंबर के सुपर रेड करके शायद वापस गए थे। पिछला रेड जो था सुपर रेड था जिसमें कोहरापुरा के ऊपर दबाव बनाए हैं यहाँ पे ठाकुरी पाली की टीम ने, और एंटी रेड करके वापस। ठाकुर जी पूरा ऐसा लगता है कि आप पूरा मैच के कमेंट्री के इसलिए आपका जो गला है वो खराब हो चुका है, तो एक मैच और है, एक ही मैच में आपको उसके बाद पूरा आराम है। और ये देखिए सुखेल एक अंक के साथ और बढ़ोतरी हुआ है, पूरा खारिज करते हुए हमें हमारे काबिल एम्पायर की जो स्कोर है देख लीजिए। बराबर
क्योंकि सुपर रन ही किए हैं, उसके बाद कोई पॉइंट नहीं मिला यहाँ पे थपरी पाली की टीम को। और एक ही पॉइंट से जो कोहरापुरा की टीम है वे लीड में बराबर कर चुके हैं, यहाँ पे तीन तीन पॉइंट की बराबरी पे है। जिस अंदाज में फाइनल होना चाहिए उसी अंदाज में होता हुआ जी जी तीन और अंकों के टच का सामना प्रयास यहाँ पे, लेकिन सफल नहीं हुए वहाँ पे ऐसा लगा, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है जो रेड गए हैं राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किए हैं, ये वही खिलाड़ी है, काफी अनुभवी खिलाड़ी है। टू और ढाई रेड, थर्ड रेड मतलब टू और ढाई रेड, और ये खतरा की घंटी रेडर के लिए है। और यहाँ पे मौका भी है, क्योंकि बोनस ऑन है तो आपको बोनस मिल सकता है। और गलत कर रहे थे यहाँ पे, गलती कर रहे थे रेडर और पॉइंट टू का होगुड़ा, और एक पॉइंट से बढ़त बनाते हुए यहाँ पे कोहापुरा की टीम कथ कथ मुकाबला एक एक पॉइंट का महत्व समझते हैं, जानते हैं आखिरकार कोहापुरा एक अंक से बढ़त बना लिया है जी। और इसी प्रकार के मैच देखने के हमारे सभी दर्शक मौजूद हैं। एक तरफा मैच तो कभी कभार देखने को मिलता है फाइनल में, लेकिन दोनों ही टीमें बराबर है, उसके इंतजार में सभी दर्शक रात को 12 बजे के लगभग है, सब इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी टीम विजयी होगी यहाँ पे, खबरी पाली की कोहापुरा, उसी के इंतजार में पूरा दर्शक बैठे हुए हैं। काबिले तारीफ है सुहागपुर के ग्राउंड में और सुहागपुर के दर्शकों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से दर्शक दिखाई दे रहे हैं दो और डायरेक्ट, ठाकुर जी क्या कहेंगे? दो अढ़ाई बार तो करना पड़ेगा, और वैसे खिलाड़ी तो राज्य पर खेल चुके हैं, वो खिलाड़ी को गाँव खेलना होगा, मरना होगा फिर मारना होगा जी जी, कुछ तो करना होगा। और ये बच गया, ये तो सुपड़ा साफ हो सकता था यहाँ पे डबल पाली का, और यहाँ पर दाव लगा था और दाव में फेल हो गए, अपना रेड जो है गवा बैठे, इस प्रकार इसको अब लेवल बराबर चार चार की बराबरी के मैच खबरी पाली और कोहापुरा फाइनल में। ये रेडर अभी तक बदलेगा मैच, कुछ भी कहना मुश्किल जी, बराबर स्कोर, कभी इधर तो कभी उधर, दोनों ही टीमों को काफी अनुभव है फाइनल मैच खेलने का, इसी वर्ष दो तीन फाइनल उठा चुकी है कोहापुरा की टीम, उसी प्रकार खबरी पाली की भी टीम मजबूत है, उनको भी पता है कि फाइनल। और ये देखिए ये स्किल, एक दो पल्टी मारा और सीधा बाहर, और फिर एक पॉइंट की बढ़त बना ले यहाँ पे कोहापुरा की टीम, उसके जो रेडर है जमन फिर वापस, और एक दो डायरेक्ट आप भी चौली का खेल करता हुआ दीवान जी 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 जी, ये बाल बाल बचे यहाँ पे, बुरा का प्यार था, पांच नंबर की जाती है, और अच्छा टेकल यहाँ पे फाइव हो रखिए, सबसे अच्छा तरीका है झुकिए फाइव तो दोनों को पकड़िए और सीधा रेडर को बाहर, अब सुपर टेकल ऑन है, और फिर ठाकुर जी भेमन गए हैं फिर से, रेड की भूमिका जो है इन्हीं के कंधों पे चल रही है कोहापुरा की टीम, अगर इस बार फेल हुआ तो निश्चित होगा स्कोर में डिफरेंस आ जाएगा फिर से तो, लेकिन शायद धोमन इस बार रिस्क नहीं लेंगे ऐसा लग रहा है मेरे को, देखना पड़ेगा। और यहाँ पर बिना बाइटे वापस होता हुआ और टाइम आउट लिया है, और टाइम आउट, और टाइम आउट के बाद एक बार फिर से खबरी पाली टीम से एक नंबर की जर्सी में कोहापुरा के मैदान पे सुपर रेड किए थे, पहला ही रेड सुपर रेड था इनका, उसी प्रकार की रेड करना होगा यहाँ पे खबरी पाली टीम के लिए, तो पूरा शानदार लेकिन सफल नहीं हुए यहाँ पे ठाकुर जी, इस रेडर की बात है अच्छी रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादा एंटी रेड दो ही ऐसा मौका है, एक तीन पाई रेड सुपर रेड की है और एक डिफेंस के लिए है, तो लगता है ऐसे खबरी पाली दो अढ़ाई का इंतजार कर रहे हैं, और जितना भी पॉइंट होना है खबरी पाली का उन्हीं का तो देन है जी जी, तीन पॉइंट लिए हैं, और शायद ऐसा लग रहा है खबरी पाली दो अढ़ाई के इंतजार में बैठे ताकि दो पॉइंट मिल सके और स्कोर बराबर हो जाए जी। आपने सही कहा, और उसी तजुर्बे के साथ में खेलना पड़ता है, दिमाग लगा के खेलना पड़ता है कबड्डी का जो खेल है,
पहले जो कबड्डी होता था दीवान जी ताकतों का होता था जी जी, लेकिन अब जो कबड्डी है दिमाग लगाकर खेलना पड़ता है। ये सब प्रो कबड्डी की देन है। पहले समय का महत्व नहीं था, 30 सेकंड ऐसा नहीं चलता था, कुछ भी हो सकता था ऐसा था, लेकिन अब जब से प्रो कबड्डी चालू हुआ है तो 30 सेकंड ये देखिए तुरंत रेड किया और 2.5 में इस बार गेम खेलते हैं। 2.5 में भूमन को ना भेज के 5 नंबर की जर्सी में, शायद 9 नंबर की जर्सी में, 5 और 9 दो अलग अलग नंबर है। और ये देखिए इस बार ये डिफेंस कर रहे थे वहां पे, और वही हुआ जिसका डर था। अब लेवल देखिए दीवान जी, लेवल देखिए दीवान जी, जी जी 6-6 की बराबरी पे आ गया और मध्यांतर इसी के इंतजार में थे ठगरी पाली की टीम। 10 मिनट के खेल की समाप्ति में मध्यांतर की बोल 1 पंचायत से बिलोंग करती है, मतलब कोई भी जीते वही पंचायत विजयी होगी, ये समझो आप। तो ये तो बहुत ही सोने पर सुहागा की बात है, आम भी मिलेगा गुटले भी मिलेगा। जी जी, और ये देखिए इस बार 1 नंबर के जो रेडर था उसका डिफेंस अच्छा खेलती है यहाँ पे कोहरापुरा की टीम। अब सुपर तक लगाया था कुछ, इस बार देखिए भ्रमण गए क्योंकि ये 2 और 2.5 रन नहीं है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ये भी दिमाग का ही खेल है। कोहरापुरा का जो खिलाड़ी है वे काफी दिमाग लगाकर खेल रहे हैं मैच में, कैसे खेलना है, किस मैच में फाइनल जीतना है, उनको काफी अनुभव है क्योंकि इसी साल में सुना हूँ 2-3 फाइनल ले गए हैं उड़ा के। तो यहाँ भी पूरा मौका है और खबरी पाली के भी बात भी मौका है क्योंकि सेमीफाइनल का जो मुकाबला था उसमें भी जीत को हार में बदल दिए थे। तो क्या कहेंगे आप? आपके जहान में तो कोहरापुरा ही फाइनल के लिए दावेदार ठोकर रहे थे और वही सही साबित होता हुआ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से जैसे कोई भी मैच होता है एक ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम क्रिकेट में पुरुष वर्ग भी ले जाते हैं महिला वर्ग भी ले जाते हैं, लेकिन इस बार बदला है, महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया हार गई, तो इस प्रकार कुछ भी हो सकता है, फजली पाली भी विजय हो जाएगी यहाँ पे। इसीलिए तो कबड्डी रोमांचपूर्ण मुकाबला है, जब तक अंतिम समय ना हो कुछ भी कहना मुश्किल होता है। बहुत सुंदर अच्छा प्रयास, आखिरकार बिना पॉइंट नहीं वापस, दोनों ही टीमें सात छह का मुकाबला और एंटी रेड करके वापस थर्ड रेड और 2 और 2.5 रेड इस बार गए हैं। इस बार 2 पॉइंट मिलेगा या परवलपुरा की टीम पर बनाएगी या ठगरी पाली की ठाकुर जी, यहाँ पर ज्यादा मौका ठगरी पाली के पास है क्योंकि रिस्क तो रेडर को ही लेना है ना, तो वही तो दांव लगाए हैं अपने आप पर। और ये क्या करोर बताएगा वक्त बताएगा, देखिए कितना जीत चले गए हैं लेकिन खेला था अपने आप पे। जी जी आप की कहावत, लेकिन इधर भी नजर आ रहा है थर्ड रेड है, 2.5 रेड है, फिर से बराबरी का मौका हो सकता है यहाँ पे क्योंकि अभी तक सफल नहीं है 2.5 रेड ने। इस बार देखते हैं शानदार टेकल यहाँ पे मिड लाइन के आसपास निश्चित थी, 2 पॉइंट मिल सकता था ठाकुर जी, लेकिन फिर बराबर नहीं बराबर हो गया जी, बराबर बराबर फिर और इस बार तो बराबर 2 पॉइंट लेता के ऊपर से बराबर था, रिस्क ले रहा था रेडर को लेकिन डिफेंडर ही उसके ऊपर चले गया, अब ऑल आउट का खतरा मैं जाता हुआ ठाकुर जी क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे और बोनस का प्रयास, बोनस को मिलेगा ये और बोनस के साथ 3 पॉइंट मिलता हुआ, 1 पॉइंट रेडर का और 2 ऑल आउट का, और टाइम आउट लेते हुए यहाँ पे ठाकुर पाली की टीम ठाकुर जी की ऑल आउट होने से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है उसका फायदा मिलता हुआ यहाँ पे कोहरापुर टीम को, लेकिन फिर से एक बार ऑल आउट के बाद आ रही ठाकुर पाली की टीम इसी प्रकार से ही चलती है टीम, तो देखना होगा बचे शेष मिनट में क्या करके दिखाते हैं उनके रेडर और डिफेंस। ठाकुर जी क्योंकि जितने भी अभी 2-3 मैच देखे हैं हारी हुई बाजी को जीत में पलट दिए थे, कोई भी टीम अभी 2-3 जो टीमें जीती है ठीक उसी प्रकार से खेल दिखाना होगा ठाकुर जी बाजी को कि हारी हुई बाजी और ये शानदार टू टच
कॉर्नर में देखिए बोनस का प्रयास और उसी के साथ टच, ये स्किल काबिल तारीफ है। चकला देने में माहिर सात नंबर की जर्सी में इस बार फेमस है, बोनस में माहिर है, बोनस लेते हैं तो फिर लीड जो है वो बड़ा करा रहेगी। और देखिए अच्छा खेल दिखाते हैं फेमस, क्या होगा पॉइंट लेंगे कि सेफ खेल के चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है सेफ खेलेंगे क्योंकि बढ़त अभी भी 3 पॉइंट से बढ़त बनाए हुए यहाँ पे, ज्यादा जोखिम लेना नहीं चाहते खेमन जी जी क्योंकि उनके ऑलरेडी 3 अंक से बढ़त है जी। और देखिए एक बार फिर एक बार खेमन वही दिमाग का इस्तेमाल करते हुए टेबलबाजी, थर्ड रेड आगे कुआ तो पीछे खाई, क्या करोगे मेरे भाई खेमन भाई, देखते हैं यहाँ पे पॉइंट ले पाते हैं कि नहीं। सात के डिफेंस में पॉइंट लेना आसान होता है, सात अच्छे बोनस भी आ रहे थे यहाँ पे पहले सुरजीत, और ये बोनस का प्रयास बोनस भी मिलेगा था, बोनस में कुछ नहीं हुआ तो अपना आपको दान कर दे, यहाँ पे बोनस मिल गया यहाँ पे, फिर भी एक पॉइंट आउट होने के बाद भी एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे पवापुर टीम को, जो लीड था वो उतना ही रहेगा, डिफरेंस जो है कम नहीं हुआ, ये दिमाग का खेल है और ये दिमाग बखूबी लगाते हुए आगे थे, क्या कहेंगे ठाकुर जी यही तो कबड्डी पुराने और अब अंतर है। और 4 नंबर का खिलाड़ी ठाकुर पाली के मैदान में दहाड़ते हुए टच प्रेस कर रहा है, लास्ट मिनट में खबरी पाली की टीम में क्या ऐसा है जोश आ जाते थर्ड रेड यहाँ पे, और थर्ड रेड टू और डायरेड चार के खेल में, और एक बार एकदम डेमेंट वहां पे दोनों पैर दोपहर के बाहर, देखिए जो डिफरेंस है वो बना ही हुआ है, लास्ट 4 मिनट शेष अभी भी मौका है खबरी पाली के पास, लेकिन गेम को यहाँ पे स्लो करना चाहते हैं कौवागुड़ा की टीम, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करना चाहते। ठाकुर जी क्या कहेंगे, 4 मिनट का खेल बाकी है और 4 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं ठाकुर पाली, सॉरी 3 पॉइंट से पीछे चल रही है, जो 3 पॉइंट की जो बढ़त है हाफ टाइम के पास, 1 पॉइंट गवाए यहाँ पे कौवागुड़ा की टीम, अभी भी मौका है लेकिन डिफेंस में संभल कर खेलती है दोनों टीमें, जो डिफेंस में संभल जाएगी मल्टी पॉइंट नहीं देगी वो निश्चित ही मैच में विजयी होगा और फाइनल विजेता होगा, जो डिफेंस जिसका डिफेंस बिगड़ा उसका खेल जाती है दीवानी जी जी जाती है, पीछे हो गया है डिफेंस, रिस्क लेना ही नहीं चाहते वो दूर लाइन में खेलना चाह रहे हैं यहाँ पे दोनों को, लास्ट तीन मिनट शेष अब पूरा टू आवर टाइम भी चला गया है, ठाकुर जी क्या कहेंगे, यही लेकिन ये टू आवर टाइम अब खबरी पाली के लिए खतरा साबित हो रहा है क्योंकि दो आवर टाइम एक या दो टू आवर टाइम मिलेगा यहाँ पे, और यदि टू आवर टाइम में सफल भी नहीं होते तो मुश्किल हो सकता है यहाँ पे खबरी पाली के लिए, लेकिन लास्ट मिनट में वापसी कर सकते हैं यहाँ पे खबरी पाली, ऐसा हर मैच में देखने को मिला है तो संभव है कुछ भी चीज, लेकिन टीम जाना होगा, ये देखिए एंटी रेट करके आसानी से वापस टाइम आउट का वाकुड़ा ठाकुर जी पाली की तरफ से, ठाकुर जी ठाकुर जी पाली के लिए बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि ऑलरेडी टीम अनुभव और पीछे है, ध्यान देंगे टू और डायरेक्ट 1 पॉइंट मिलेगा यहाँ पे जो भी टीम जैसे भी हो, और अच्छा टोटल को प्रयास यहाँ पे 9 नंबर पे कवर पे भी प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुए, जा रहे हैं यदि पॉइंट दे तो 30 मिनट, और ये देखिए 1 2 3 4 5 कितना होगा 0, और 1 पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पे खबरी पाली को, 4 खिलाड़ी धीरे धीरे वापसी होता है दीवान जी, लेकिन रेडर को कुछ चल नहीं होगा ना, ये भी दो डायरेक्ट है, और देखिए रेडर डिफेंस पीछे चली गई है, 30
सेकंड में आपको रेड ही और देखिए पीछे चले जाने दिखा रही है वो और ये देखिए एक तक प्रति यदि आज टेकल नहीं होता सपोर्ट नहीं करते तो निश्चित ही 3-4 पॉइंट आर और दो तक बता दी। ये तो खेल दिख रहा है बिल्कुल आसानी से हो जाता लेकिन उनका फील्डिंग लाइनअप बहुत ही बढ़िया और ये गलती ना करते इस बार ये तो ये सरासर गलती कर बैठे ऐसा लग रहा है मुझे अंतिम एक के शेष है मतलब बार बार बच्चे यहाँ पे 2-3 पॉइंट गिर सकता था मिड लाइन को टच करके वापस यदि क्रॉस कर लेते तो निश्चित ही यहाँ पे अब देखिए स्कोर देखिए क्रॉस दबाएंगे या क्या करेंगे और सुपर टेबल आ गए 2 पॉइंट ले ही लेते हैं दे देते हैं फिर भी यह मैच बहुत बड़ा पक्ष में झूम गया है जीत की खुशबू आ गई है जी जी अब पूरा समय लेना चाहेगा रेडर समय का सही सदुपयोग पूरा समय लेते हैं रेडर मैं लास्ट में जानना चाहूंगा कोवाकुड़ा के कैप्टन से कि इस एरिया में जितना भी टूर्नामेंट हुआ अभी अंतिम रेड कितना टूर्नामेंट में फाइनल में विजय हुए हैं उनके कैप्टन हेमंत से मैं जानना चाहूंगा कि वे आएंगे यहाँ पे इस प्रकार से मैच समाप्ति की घोषणा होता हुआ मैच समाप्ति की घोषणा और सभी दोनों ही टीमों को बहुत बहुत बधाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।